अभी 9 बजे हैं और आज विसर्जन करने वाले हैं। 10 दिन हुए हैं। वैसे तो क्या है, मैं 10 दिन होके 11वें दिन पे विसर्जन करती थी, पर आज 10 दिन हो रहे तो सब आज ही कर रहे हैं, तो मैंने भी आज किया। 5 साल भी हो गए मेरे, और आज बच्चों को भी खाना खिलाना है। 5 साल पूरे हो गए हैं तो, और पप्पा हमारे घर आते हैं 5 साल से, और अभी मन भी थोड़ा भारी हो रहा है कि पप्पा चले जाएंगे, घर की रौनक चली जाएगी। 10 दिन से यहाँ पे इस कमरे में बहुत अच्छा लगता था, वो सब हमारा अभी थोड़ा थोड़ा क्या बोल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे कहूँ तो भी चलेगा। तो चलिए विसर्जन की तैयारी करते हैं। अभी मैंने हाथ में इस तरह से कुमकुम लगा दिया है और कृष्णा के हाथ में भी लगा दिया है। अभी हम विसर्जन की जो तैयारियां हैं, जैसे कि हर व्लॉग में होता ही है विसर्जन के वक्त क्या क्या यूज़ करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछले 5 साल के जो भी व्लॉग है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसमें मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। आरती हो गई है। आरती के बाद मैंने सारे कमरे में इस तरह से धूप दे दिया। धूप देने के बाद आरती भगवान को इस तरह से कर ली, और प्रसाद धराना था तो प्रसाद भी इस तरह से भोग लगा दिया भगवान को, और मेरे लड्डू गोपाल मेरे माधव को भी मैंने इस तरह से प्रसाद दे दिया। फिर सबको आरती भी दे दी है, जैसे कि वो बच्चों छोटे बच्चे आए थे तो मैंने खुद उन लोगों को इस तरह से दिया, और जो भी घर में है जो भी हमने यहाँ पे स्थापन किया था वो सब अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा इंच आगे पीछे कर दिया है, जिससे विसर्जन हमारा हो गया है। अब हमें बस गणपति बप्पा को डुबकी लगाने की बाकी है। गणेश जी पानी में जाएंगे तब 3 बार डुबकी लगाएंगे, तो वह हम आगे देखेंगे। और हाँ, एक बात खास बताती हूँ कि गणेश जी को डुबाया क्यों जाता है 3 बार, क्योंकि जब वेदव्यास जी ने महाभारत लिखवाया था गणेश जी के साथ बैठ के, तो 10 दिनों तक कंटिन्यू इस तरह से रहा था, और गणेश जी 10 दिन तक ऐसे ही लिखते रहे लगातार। उसी वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो गया था, इसी वजह से गणेश जी को वेदव्यास जी ने शीतल जल के अंदर जाके इस तरह से डुबकी दिलवाई थी। इसी वजह से गणेश जी का विसर्जन इस तरह से होता है। कई लोग अपनी मान्यता से अलग अलग सब बताते रहते हैं, कई लोग जातिवाद पे भी एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, पर जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उस तरह से गणपति का आप विसर्जन भी कर सकते हो। गणेश आपकी जैसी जो भी शक्ति है उस तरह से आप कर सकते हो। मेरी मान्यता यही है कि वेदव्यास जी ने लिखा था और गणेश जी को इसीलिए इस तरह से डुबकी दिलवाई थी। और हाँ, ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में सिद्ध गणेश व्रत की पुस्तिका है। मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम से मैं ये गणेश जी का व्रत करती हूँ। पहले गणपति घर में नहीं लाते थे, पर हाँ ये 5 साल है तब से मैं ला रही हूँ, और ये बुक है जो इस तरह से मेरा व्रत का उत्थापन भी कर लिया और सबको इस तरह से मैंने दी भी है, और ये मेरा अभी भी कंटिन्यू चालू है। मैं आगे भी ये गणेश सिद्धि व्रत कथा है वो मैं रीड भी करती हूँ और मंगलवार का व्रत भी करती हूँ। जब तक गणपति बप्पा मुझे साथ देंगे तब तक मैं करती रहूँगी। मेरे में जितनी शक्ति है उतनी मेरी भक्ति चलती रहेगी। तो चलिए अब विसर्जन करते हैं।
मालूम हुआ होगी झूले। ये सारे पैसे हैं, ये सारे मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। अब इसमें से मैं क्या लेने वाली हूँ मुझे भी पता नहीं। जो नॉट्स है वो मैंने अलग रखती है, और ये 3 सुपारी हैं वो हम किसी को दे देंगे। ये चावल है, ये हम किसी को दे देंगे, या फिर जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पे भी हम डाल सकते हैं। अभी मैं बर्ड्स को ही ज़्यादातर देती हूँ क्योंकि कई लोग खाते नहीं हैं, ऐसा कुछ होता है। और ये इसके हम श्रीफल नारियल बोलते हैं, इसे हम गणेश जी के मंदिर में जाके भी इसे फोड़ सकते हैं, या फिर हमारे घर पे भी। मैं घर पे ही करूँगी, पर अभी मेरे हस्बैंड है नहीं, वो आएंगे तब ये करेंगे। गणपति है सबसे प्यारा, 9, 10, 11, 12 गणपति है सबसे प्यारा। अभी हम बच्चों को प्रसाद भी दे देंगे। हमारा विसर्जन हो गया है, देखिए घर हमारा खाली खाली हो गया है। अभी विसर्जन हो गया है, चाय नाश्ता भी करना बाकी था, तो वो सब करेंगे। फिर ये देख रहे हो आप, ये सारा जो भी वॉश करना है वॉश करेंगे, जो सामान कहीं देना है सामान देंगे, तो ये सब काम करना है। और पूरा ब्लॉग है उसके साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और भी दिखाऊंगी, क्योंकि आज शाम को बच्चों को खाना खिलाना है, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसीलिए। तो पहले चलो ये सब क्लीनिंग करते हैं, जो मंदिर में देना है वो अलग निकालेंगे। और हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि जो सारे पैसे हैं ये दूसरे वाले, ये भी देखिए, ये पर्स भूरा भरा हुआ है, इसमें भी पैसे हैं। और ये सब इसमें से मैं मंदिर के लिए जो भी काम चीज़ होगी वो ले लूँगी, ये निकल नहीं रहा। ये सब इसमें भरे हुए हैं सारे पैसे, ये सारे पैसे हैं। उसमें से मंदिर में हम कुछ लेने जाएंगे, ये सब पैसे। और हाँ, जब लेने जाऊँगी तब आपके साथ शेयर भी करूँगी। और इससे पहले मैंने क्या क्या लिया हुआ है वह भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये गणेश जी लिए थे, फिर ये लिए थे लक्ष्मी जी, उसके बाद मैंने ये गैया ली थी, फिर ये लिया था, ये तो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था। और हाँ, एक जैसे ये दिया है ना वैसे एक चांदी की दीवी दी ली थी, इतनी छोटी दिया था वो, इतना ही था, पर वो अभी पता नहीं कहाँ रखा, वो मिल नहीं रहा। अभी देखेंगे इस बार क्या ले सकते हैं, रिद्धि सिद्धि मिल जाए तो रिद्धि सिद्धि लेंगे, तो गणेश जी के आजू बाजू हम बिठा सकें। तो चलिए अब ये सब साफ़ सफाई का काम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा विसर्जन तो हो गया है, और हाँ अब मैं दूसरा व्लॉग ही बनाने वाली हूँ, और व्लॉग में बताऊँगी किस तरह से हमने शाम की तैयारी की है। तो पहले तो ये सब कर लेते हैं, और बहुत टाइम हो गया है, 11 बजने को आए हैं, चाय नाश्ता करके फिर कृष्णा को स्कूल जाने के लिए रेडी भी करना है, और फादर इन लॉ के लिए खाना भी बनाना है, वो सब काम फिनिश करके मिलेंगे, ठीक है।